देर रात को नेहा ने अपनी खिड़की पर हल्की हल्की थपथपाहट सुनी। वह पांचवीं मंजिल पर रहती थी और उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थपथपाहट तेज और लयबद्ध होती गई। उसने झिझकते हुए धीरे धीरे खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया। बाहर झांक कर देखा तो उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। उसे राहत महसूस हुई, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं यहीं हूं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने फिर से खिड़की की तरफ देखा। उसका खून ठंडा हो गया जब उसने देखा कि एक सफेद चेहरा खिड़की के शीशे पर चिपका हुआ था, आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए। वह चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन जब उसने पलकें झपकाई तो चेहरा गायब हो चुका था। तेजी से सांस लेते हुए उसने मदद के लिए फोन उठाया, लेकिन तभी एक और मैसेज आया, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। रोशनी झपकने लगी और कमरे में ठंड बढ़ गई। नेहा की सांसें धुंध में बदल गईं और अब थपथपाहट अंदर की अलमारी से आ रही थी।